नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आर गैलेनिक सेल, आर वोल्टिक सेल। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आर गैलेनिक सेल, आर वोल्टिक सेल। ए सेल विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वह सेल जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जो सेल्फ होता है, अपने आप हो जाता है, उस रिडॉक्स रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज टॉर्च सेल, वॉच सेल, इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी एक्सेट्रा। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट्स ऑफ टू हाफ सेल्स आर टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू हाफ सेल्स आर टू इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना होता है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट्स ऑफ टू हाफ सेल्स आर टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू हाफ सेल या टू इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना होता है। हाफ सेल या इलेक्ट्रोड वह सिस्टम होता है जिसमें कोई मेटेलिक रॉड उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक या साल्टू सॉल्यूशन में डूबी रहती है या इमर्स रहती है, उसको हम हाफ सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ए सिस्टम इन विच ए मेटेलिक रॉड इज इमर्स आर डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ दैट सेम मेटल इज कॉल्ड हाफ सेल आर इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब ये है कि वह सिस्टम जिसमें किसी मेटल की रॉड उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबी रहेगी उसको हाफ सेल या इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जब टू हाफ सेल्स कंबाइन होते हैं तब कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। मींस टू हाफ सेल्स कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर गैलेनिक सेल आर वोल्टिक सेल। नाउ वी हैव टू स्टडी एग्जांपल ऑफ हाफ सेल आर इलेक्ट्रोड। दिस इज जिंक हाफ सेल आर जिंक इलेक्ट्रोड। इन दिस हाफ सेल जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ये एग्जांपल है जिंक हाफ सेल आर जिंक इलेक्ट्रोड का, जिसमें जिंक रॉड जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में इमर्स है या डूबी हुई है। जिंक रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए जब जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं तो जिंक एटम अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पर लूज कर देता है और लूज करके जिंक कैटायन के फॉर्म में सॉल्यूशन में चलाता है। इससे रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है और यह एनोड का काम कर दिया। इससे रॉड पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पर लूज कर देगा, इसलिए जिंक रॉड पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जिस रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिंक रॉड से टू इलेक्ट्रॉन जिंक एटम रिलीज करके जिंक आयन में बदल जाता है जो सॉल्यूशन में चले जाते हैं। जिस रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। यहाँ देखिए जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है और जिंक कैटायन के फॉर्म में जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में आ जा रहा है। क्योंकि इस रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसको हम एनोड कहते हैं और ऑक्सीडेशन होने की वजह से इस हाफ सेल को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर कॉपर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा कॉपर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर आयन रॉड पर चले जाते हैं, कॉपर रॉड पर, और अपना पॉजिटिव चार्ज रॉड को दे देते हैं, इसलिए रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रॉड कैथोड का काम करती है। ध्यान दीजिएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसलिए कैथोड का काम करेगी
एक्चुअल प्रोसेस में जब दोनों को अटैच किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चले जाते हैं कॉपर पर, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर एटम में बदल जाता है। इस तरह से इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है इसलिए इसको हम कैथोड कहते हैं। लेकिन रिएक्शन तब स्टार्ट होता है जब दोनों हाफ सेल को ऐड किया जाता है, मींस कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में तब कन्वर्ट होगा जब जिंक हाफ सेल को कॉपर हाफ सेल से अटैच किया जाएगा। तब ये इलेक्ट्रॉन मेटेलिक वायर के थ्रू इस रॉड पर आ जाएंगे और कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के कॉपर में बदल जाएगा और रॉड को अपना पॉजिटिव चार्ज डिलीवर कर देगा, इसलिए रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रॉड कैथोड का काम करेगी। कीप इन माइंड जिस रॉड पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। यहाँ कॉपर आयन टू इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर एटम में बदल जा रहा है, यह प्रोसेस रिडक्शन का है, मीन्स इस रॉड पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए इस रॉड को हम, इसलिए यह रॉड कैथोड का काम करेगी और इसको हम कॉपर हाफ सेल कहेंगे। कीप इन माइंड किसी भी सिंगल सेल पर कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन तब स्टार्ट होता है जब दोनों हाफ सेल को अटैच किया जाता है, अदरवाइज कोई भी किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड में कोई रिएक्शन नहीं होता, इसको आप दिमाग में रखेंगे। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो कैथोड कवर करता है और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड का वर्क करता है। इस तरह से टॉपिक आपका फिनिश हुआ।